This is morning views. अभी ना हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑन द डे बोट राइड। ठंड ठंड पवन आवत है। मैं आदित्य नानू बोलूं, दिलीप भाई बड़ा बोलूं, सब लोग बापजी ने चढ़ाएला फूल इतनी सारी, हमने उनको बिस्किटे और वो सब खिलाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहुल प्रजापति, मेरे साथ है दिव्यांग रावल और आज का हमारा पहला वीडियो बनने वाला है। नया ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और हम जाने वाले हैं नारेश्वर की टूर पे। यस। और कितने किलोमीटर होगा दिव्यांग भाई? यहाँ से 210 किलोमीटर होता है। कंप्लीट नारेश्वर, प्राचीन, बहुत ही प्राचीन जगह है। वहाँ से आपको और भी सब कुछ दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें और दिखाएंगे। और मेरे साथ और तीन दोस्त भी है और हम सब जाने वाले आज नारेश्वर में और सब दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग में। तो चलते हैं, लेकिन कैसे, एक लाइक कर दीजिए और छोटी सी स्माइल कर दीजिए और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग है बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पर और फ्रेश होने के लिए बोला भाई तेजस भाई, ये बड़ा वाला बोला भाई, ये आदित्य भाई। दोस्तों इधर हमारा थोड़ा सा ब्रेक है, इधर हम खाना खाने वाले हैं होटल जयशंकर में और कुछ टाइम रेस्ट भी करेंगे, गाड़ी चला के थक चुके हैं। तो अभी हम अंदर जाके अच्छी वाली गुजराती थाली खाएंगे, फिर बाद में आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे और हम क्या क्या खाना खाते हैं वो भी दिखाते हैं। मेनू का डिस्कशन चल रहा है अभी। फाइनली वी आर इन नारेश्वर और पहले हम रहने वाले थे आगे हाईवे पे, लेकिन वहाँ पर हमें रूम अवेलेबल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर 9 बजे से पहले जाना होता है, 9 बजे के बाद सब क्लोज हो जाता है। तो हम दूसरे यहाँ पर फ्लैट है वहाँ पर आए हैं और मेरे दो दोस्त गए हुए हैं रूम के लिए और हम सब, मैं और आदित्य भाई, नानू बोलो और ये अशोक भाई सब बैठे हुए इधर और गप्पे लड़ा रहे हैं, रूम की चाबी की वेट, रूम की इसकी वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा रूम है, डबल ऑक्यूपेंसी, टैरिफ ओनली फॉर 400। इसमें
इधर किचन भी है। किचन के साथ इंक्लूड है, ये भाड़े पर भी दे रहे हैं सबको। और बहुत बढ़िया रूम है, इधर गीजर वीजर सब है, पानी की भी व्यवस्था हो जाती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं और आदित भाई हम दोनों आज रात इधर सोने वाले हैं, और मैं मिलता हूँ आपको कल, हम फिर से ज्वाइन करेंगे। दिस इज मॉर्निंग व्यू ऑफ नर्मदा घाट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा नारेश्वर में दूसरा दिन है। नाइट को हमने यहाँ पर पूरी तरह से आराम किया, और अभी मैं सुबह सुबह में आ चुका हूँ घाट में। आप देख सकते हैं मॉर्निंग का बहुत ही बढ़िया व्यू। पानी पूरी तरह से भरा हुआ। मैं पहली बार आ रहा हूँ ऐसे घाट में, बाकी जनरली हम लोग आते हैं तो अप्रैल या मई महीने में आते हैं। और वहाँ तो पानी है ना, वो बोट है ना, उससे भी ज़्यादा अंदर होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये जो बोट आ रही है ना, उसमें लोग तो आते हैं लेकिन बाइक एक्टिवा ये सब भी आते, उस पार से इस पार, इस पार से इस पार, उस पार। और एक बात ये भी है कि वहाँ पर से आने का कोई और मार्ग, कोई और व्यवस्था नहीं है, पुल नहीं है, इसीलिए दोनों गांव के बीच में आने जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक ज़रिया है। और इसका भी आने जाने का रेट बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीस पर हेड। रेस्टोरेंट ना कोटा, वी आर रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट। और जब जब हम लोग नारेश्वर में आते तब रेवा रेस्टोरेंट के भजिए और चाय अवश्य लेते। और आ चुके हमारे तो चलो टूट पड़ो। अभी ना हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मोर पिंच। संडे को और ट्यूसडे को इधर बहुत पब्लिक अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबजी के पास आती है।
आवे तेने एक सलाम, जाए तेने 100 सलाम, न आवे तेने 1000 सलाम। बापजी नो मच्छर बंगलो। बापजी ने चढ़ायेला फूल। बहुत ही इस प्रांगण में आने के बाद आपको बहुत ही शांति मिलेगी। और जब जब हम लोग यहाँ आते हैं तो हम इस जगह में बैठते हैं और सब काम छोड़ छाड़ कर सब भूल जाते हैं। ये गुरु लीलामृत भवन है और यहाँ पर आप सब देख रहे हैं ताम्रपत्र में सब कुछ आरतियाँ और वो सब लिखा हुआ है। कितनी सारी लेकिन यहाँ पर आने पर आपको शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नॉइस करना अलाउड नहीं है। यह शांति ने कुछ निवास स्थान जहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं होता। अंदर जो भी ईस्वीसन पूर्व में बाप जी ने सब चीज़ें का यूज़ किया था वो अंदर रखी है। इस बच्चे को तोला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड तुला दान। आप देख सकते हैं मछलियाँ कितनी सारी हमने उनको बिस्किटें और वो सब खिलाया। जैसे ही मैं डालता हूँ इस बाइक की बोट है और उसमें हम जा रहे हैं उस पार। टुडे डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑन द डे बोट राइड। ठंड पवन आवे सर। मैं आदित्य नानू बोलूं दिलीप भाई बड़ा बोलूं सब लोग। बोट राइड न्यू एक्सपीरियंस। और पर हेड 10 रुपया है जाने का और वापस आने का 10 रुपया है। टोटल 20 रुपया। अभी हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं और खाना खाने के बाद हमारी जर्नी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये लोग हैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आते हैं लोग यहाँ पर। ये सब लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए आते हैं। हर रोज़ तकरीबन यहाँ पर 2.5 से 3 हज़ार लोगों का। एट द एंड आज की हमारी जर्नी हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और
आई एम श्योर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पहला वीडियो था, इसीलिए थोड़ी सी भूल चूक कमी हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना, एक कमेंट कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे।